हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीता एंड वेलकम टू विनीताज किचन। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो मैं आपके लिए लाई हूँ तीन तरह की चिया पुडिंग की रेसिपी, वेनिला, चॉकलेट एंड कोकोनट फ्लेवर चिया पुडिंग। चिया सीड्स को हमें अपनी डेली डाइट में ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, साथ ही ये फाइबर से भी भरपूर होता है जिससे ये हमें वेट लॉस में भी हेल्प करता है। सबसे पहले हम बनाएंगे वेनिला फ्लेवर चिया पुडिंग। एक मिक्सिंग बाउल में मेजरमेंट वाले कप से एक कप मिल्क डाल रहे हैं। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 टीस्पून चिया सीड्स। चिया सीड्स को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, इसका लिंक मैं वीडियो के ऊपर में दे रही हूँ। साथ ही मीठे के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून शहद डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें देसी खांड या फिर पाउडर शुगर भी डाल सकते हो, और मीठा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 4 से 5 ड्रॉप वनीला एसेंस की, जिससे इस पुडिंग में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जो चिया सीड्स हैं वो अच्छे से फूल जाएं। और अब हम चॉकलेट चिया पुडिंग बनाएंगे। इसके लिए हम फिर से एक बाउल में 1 कप दूध डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 टीस्पून चिया सीड्स। मीठे के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 टेबलस्पून शहद। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच कोका पाउडर। अगर आप चाहें तो इसमें चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक ढक्कन से ढक कर फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। और अब हम बनाएंगे कोकोनट चिया पुडिंग। के लिए हमें चाहिए 4 टीस्पून चिया सीड्स, 2 से 3 टेबलस्पून शहद, 1 टीस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 2 से 3 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर। ये कोकोनट मिल्क पाउडर को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, इसका लिंक मैं वीडियो के ऊपर में दे रही हूँ। हम एक बाउल में 1 कप पानी लेंगे और इसी के साथ हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून नारियल का बुरादा, इससे इस पुडिंग में कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शहद डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 3 से 4 चम्मच चिया सीड्स भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, कोकोनट चिया पुडिंग के लिए आप कोकोनट मिल्क घर पर भी आसानी से बना सकते हो। इसके लिए आप एक ताज़ा नारियल लीजिए और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए थोड़ा सा पानी डालकर, और फिर इस कोकोनट मिल्क को आप एक छन्नी से छान लीजिए। तो इस तरह से आप कोकोनट मिल्क घर पर आसानी से रेडी कर सकते हैं। और हमें नारियल का पाउडर भी मिल जाता है जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। इसे भी हम एक ढक्कन से बंद कर देंगे और फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए इसे रख देंगे। 4 से 5 घंटे बाद हम तीनों तरह की चिया पुडिंग को फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि चिया सीड अच्छे से फूल गए हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसमें फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डालकर भी इंजॉय कर सकते हैं, इससे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। आप इसे अपनी पसंद के फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने तीनों तरह की चिया पुडिंग को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। तो मैं यहाँ पर वेनिला चिया पुडिंग को केला और अनार से डेकोरेट कर रही हूँ। चॉकलेट चिया पुडिंग को मैं यहाँ पर अंगूर और काजू के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। कोकोनट चिया पुडिंग को मैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, चिया सीड्स का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, इसलिए आप इसे कस्टर्ड के साथ में या आइसक्रीम के साथ या मिल्क शेक के साथ इसे बना सकते हो और इसे इंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स, तीनों तरह की चिया पुडिंग हमारी रेडी है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है हमारा चिया पुडिंग।
गर्मियों के सीजन में आप भी ट्राई कीजिएगा चिया पुडिंग की रेसिपी। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।